नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन, आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट म्यूजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि 3 दिन निकल चुका है अभी एग्जाम का, और सभी लोगों को बहुत सारा डिमांड था कि कट ऑफ का वीडियो जल्दी से जारी किया जाए, तो कट ऑफ का वीडियो थोड़ा जारी करने में 3-4 दिन लेट हो ही जाता है, क्योंकि कुछ लड़कों का रिव्यू देखना रहता है ना कि किस तरह का वो मार के आए हैं और मार्केट में क्या एक एवरेज चल रही है। ठीक है, तो कट ऑफ पे बहुत सारा असर भी पड़ने वाला है, चूँकि इस बार का क्वेश्चन पिछले बार से कुछ टफ था, कम से कम तो 6-7 क्वेश्चन टफ ही था, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। और उससे भी ज़्यादा कि इस बार जो एग्ज़ाम सेंटर था वो 3 ही जगह पे था, पिछली बार तो 13-14 जगह पे था, तो इस तरह से बात विचार ज़्यादा हो जाता है एग्ज़ाम में। और कम जगह पे रहने पर, खासकर अच्छे शहरों में, तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह थोड़ा टफ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग अभी राजगीर में, मतलब बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में छत पे आए, अभी जस्ट आ ही रहे, और कुछ मित्रों से मिलाना चाहते हैं। ये लोग आपको ज़रूर मोटिवेट करेंगे ताकि आप फिजिकल के लिए, कट ऑफ बताया जाएगा वीडियो के अंतिम तक आप बने रहेंगे, फिजिकल के भी बारे में बताया जाएगा कि कहाँ आपको करना है अगर आप पटना में रहेंगे तो। ठीक है, और सार्जेंट के लिए, चूँकि हम तो सार्जेंट क्वालिफाई हैं, कुछ और लोग भी हैं सार्जेंट क्वालिफाइड। ठीक है, तो पहले हम अपने कुछ दोस्तों से मिलाना चाहते हैं, हमारे ही ग्रुप के, हम लोग जी कंपनी के हैं। ये हमारे मित्र हैं ओझा जी। हेलो, हाय भाई, सब लोग करिए। ओह, मुर्गन बाबू, कंपनी का डिमांड इनका ज़्यादा रहता है, अभी देख भी रहे होंगे, कंपनी में डिमांड है इनका। ये देखिए रजनीकांत सिंगर बोल रहे हैं, और ये देखिए सिंगर गुंजन बिहारी, इनका नाम ही है गुंजन बिहारी। अब बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे आसपास में, नवादा से इनका घर हुआ, नवादा ही है ना, गया घर हुआ है। ठीक है, गया नवादा के बड़े। और ये है राजा सिंह, आरा जिला के, इनका भी परिचय है। आप कहाँ से हैं? हम बक्सर से हैं। बक्सर से हैं, और ये दोनों आरा जिला के। आरा जिला, ठीक है। तो लड़कों के बारे में क्या इनकी राय है, जो सुन लेते हैं। कट ऑफ जो भी है ऑथेंटिक है, बनाया हुआ है, आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कट ऑफ जरूर बताया जाएगा। उससे पहले कुछ राय जान लीजिए कि आपको फिजिकल किस तरह तरीके से करना है। चलिए ओझा जी, कुछ राय रखिए अपना। हाँ, मैं आप लोगों को यही सलाह दे रहा हूँ, आ जाइए सभी लोग। एग्ज़ाम हो गया है आप लोगों का, और जिनको भी लग रहा है कि मैं सेफ स्कोर पर हूँ या कट ऑफ अबव हूँ, जो भी आशीष जी ने बताया है, तो आप लोग मैदान मैं में तो आ जाइए। बताने वाला हूँ। हाँ, अभी बताएंगे, और तैयारी कीजिए। गुंजन बिहारी सिंगर, जबरदस्त सिंगर है, ये हम लोग कंपनी में हंसाते रहते हैं, कॉमेडियन, हालांकि दोनों कॉमेडियन ही हैं, अच्छा कॉमेडी कर लेते हैं। चूँकि यहाँ आपके लाइफ थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है ना, एक चार दीवारी के बीच में घिर के रहना, इस तरह की ज़िंदगी हम लोग कभी जिए नहीं है, बड़ा थोड़ा सा मन विचलित होते रहता है और कुलाहट जैसा लगता है। चलिए गुंजन बिहारी से कुछ सुन लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आने वाले लोगों के लिए। सभी दरोगा अभ्यर्थी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। आपका बिहार पुलिस अकेडमी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हम लोग ससमय यहाँ से ट्रेनिंग करके वापस चले जाएंगे, उसके बाद आप ही लोग 2213 वाले जो कैंडिडेट सफल होंगे वो आएंगे और एकेडमी का लुत्फ उठाएंगे। क्योंकि और आगे मिलिए हमारे दोस्त राजा, हम लोगों का जो कट ऑफ है 200 जेन्युइन स्टूडेंट से रिव्यू लेकर ही तैयार किया गया है। 200 जो टॉप स्कोरर हैं, टॉप स्कोरर एक मीडियम स्कोरर, जो कट ऑफ कम जाने का मेन रीजन ये भी है कि होम सेंटर नहीं है, सबसे बड़ी बात कि मेन रीजन। दोस्तों मेरी बात एक बार सुन लिया जाए, क्योंकि पिछली बार 25 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का पूछा गया था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है वो 18 है। ये भी कट ऑफ पे काफ़ी प्रभाव डालेगा, क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जाता है कि हर घर में मैथमेटिशियन होता है और मैथ्स रीजनिंग सभी का अच्छा होता है, तो ये भी कट ऑफ पे 2-3 क्वेश्चन तो जरूर प्रभाव डालेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहेंगे, आप जो भी स्कोर किए अच्छे किए हैं और आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। जो भी कट ऑफ बनाया गया है, सारे 100 क्वेश्चन को लेके बनाया गया है, जिसमें से 3 क्वेश्चन डाउट में थे, एक क्लोरीन CO2 जिसका ऑप्शन में था CaO से रिएक्शन करने वाला, एक और क्वेश्चन था आपका ये जो धान का नहीं गेहूं का जो किस्म पूछा था वो भी शायद गलत है, और एक और क्वेश्चन है जो अस्पताल में रोगी से संबंधित जो था सजाने वाला रीजनिंग का, वो भी कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। तो उन तीनों के जोड़कर के ही हम लोग बताए हैं कट ऑफ, अगर उन तीनों को हटा रहा है या फिर सबको गलत कर रहा है तो जो भी कट ऑफ बताया जाएगा उससे नीचे ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं कट ऑफ जाने वाला है, बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, और भी यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे अभी कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। देखिए बिहार पुलिस अकेडमी में जब हम लोग आए, थोड़ा सा इधर का भी दृश्य दिखा दीजिए पीछे का, इतना अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बिहार पुलिस एकेडमी है वो काफ़ी सुसज्जित ढंग से बनाया हुआ है,
और इस प्रांगण में आप जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो एक बेहतर ऑफिसर बन के आप यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण की जो व्यवस्थाएँ यहाँ दी गई है वो सुसज्जित ढंग से रूबरू किया गया है। और हम लोग जो 2 महीने के अंतर्गत जो हमने अपना अनुभव साझा कर रहे हैं आपके पास कि प्रशिक्षण का व्यवस्था काफ़ी बेहतरीन तरीका से हमारे एडीजी सर और डीआईजी मैम के द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है, जो आप भी कुछ पलों के बाद या कुछ समय के बाद बिहार पुलिस बहुत जल्द ही आने वाले हैं, अगले साल ही पहुंच जाएंगे। धन्यवाद मेरी तरफ से। थोड़ा सा ओझा जी से भी सुन लें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। देखिए पीछे में कुछ पहाड़ का भी दृश्य दिख रहा है, पहाड़ी देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ के सामने देखना है तो आपको बीपीए राजगीर में आना होगा। और मैं बस सभी लोग कोशिश करेंगे सार्जेंट मारने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, मैं बीच में आकर के आपको मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो बिहार पुलिस अकेडमी है वो प्राकृतिक की गोद में बना हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में हम लोग हैं, सूर्य जैसा है। भले ही आप जेल जैसा बंद में फील करिएगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ सब कुछ अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे हर चीज़ का, बस आप ही का भी इंतज़ार है। हम लोग तो मज़ा नहीं रहे हैं, आप बस आपको बस ट्राई करना है। जिनका भी मार्क्स उससे ज़्यादा आ रहा है सार्जेंट के लिए सबसे पहले ट्राई करेंगे, खासकर लड़कों लोग, क्योंकि लड़कियों का तो सार्जेंट का कट ऑफ ऊपर चला जाता है, लड़के लोग ज़रूर सार्जेंट के लिए कोशिश करेंगे सार्जेंट मारने के लिए। और कुछ मना, हाँ, गांधी मैदान में अगर पटना में रह रहे हैं या फिर पटना जाएंगे तो गांधी मैदान में गुरु जी का टीम है, बेस्ट टीम है, उनको आप मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक और टीम है अमित भैया का, वो भी ज़बरदस्त टीम है, आप उन दोनों में से कहीं भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सिखा देंगे आपको सार्जेंट तक पहुँच। और आरा के लिए है, अगर जो आरा में मोहन भैया के चर्च गेट पे जा सकते हैं, रमना मैदान में कोई मोहन भैया सिखाते हैं, बहुत अच्छा, ये दोनों वहीं से करके आए, हम लोग तो खैर पटना ही में किए थे। और जिनका फिजिकल अच्छा है वो खुद से भी करेंगे, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कुछ इस प्रकार है, देखिएगा, ठीक है। चलिए तो 2213 मेंस दरोगा के लिए कट ऑफ कुछ इस प्रकार है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 71 से लेकर के 73 के बीच में, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस बात को कि ये जो भी बताया जा रहा है क्वेश्चन, वो तीनों चारों क्वेश्चन को इंक्लूड करके अगर उसको हटाता है तो इससे 1-2 क्वेश्चन नीचे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 71 से 73 अगर आप जनरल मेल में हैं तो 71 से 73, वही फीमेल की बात करें तो 60 से 62 रहेगी। क्वालिफाई पेट के लिए ध्यान में रखिएगा, फिजिकल के लिए क्वालिफाइड है, हम मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। उसके बाद EWS की बात करें तो 69 से 71, इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, वही फीमेल का 54 से लेकर के 56% तक ये मार्क्स दिया गया है, इस मार्क्स के अनुसार आप देख भी सकते हैं, ठीक है। वही BC की बात करें तो BC 68 से लेकर के 71 के बीच में रहेगा, और महिला की बात करें फीमेल की तो 57 से लेकर के 59। यहाँ पे महिलाओं की कुछ ज़्यादा अभी दिख रही होगी, क्योंकि महिला का जो इस बार हाइट जो कम किया है 1.60 से 1.55, तो जिसके वजह से 2-3 क्वेश्चन का फर्क ज़रूर पड़ने वाला है, ठीक है। तो BC हो गया। EBC की अगर हम बात करें तो अगर आप पुरुष हैं तो 64 से 66 के बीच में आपका रहेगा, 64 से 66 के बीच में। अगर महिला हैं तो 55 से 57 क्वेश्चन की बात है, नंबर यहाँ पे है, ठीक है। वही SC की अगर बात करें, अगर आप SC कैटेगरी से है तो 62 से 64% मार्क्स उठा रहे हैं मेल में, तो आपका कंफर्म होगा, और 46 से 48% फीमेल है तो हो जाएगा। ST की बात करें तो 63 से 65, वही महिला ST में 51 से 53। वही FFT की बात करें, फ्रीडम फाइटर का, तो 58 से लेकर के 60 तक, और यहाँ 58 से लेकर के 59 तक महिलाओं के लिए। तो ये था हमारा कट ऑफ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल, ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल और ये यूट्यूब चैनल है जिस पे अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे इसका PDF डाल दिया जाएगा। तो इतना कट ऑफ रहने का चांस है, चांस नहीं है बल्कि इतना कट ऑफ रहेगा। अगर आप इससे या इससे 1-2 क्वेश्चन कम भी हैं तो आप ज़रूर फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं फिजिकल तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल उतना टफ नहीं है, आपको रिज़ल्ट आने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।